तो ये देख सकते हैं हमारे इधर स्पीकर जुड़ चुके हैं। मैं इसके एक बार आवाज को आवाज की क्वालिटी सुना देता हूं कि क्या प्रॉपर आवाज आ रही है, गाने में एकदम प्रॉपर बज रहा है। तो गाइस मैंने इसको कैसे ठीक करा एंड कैसे इसको मैंने रिपेयर करा आपको वीडियो स्टार्ट टू एंड पूरी देखनी होगी। तो चलिए गाइस लेट्स स्टार्ट इट एंग्रोटेक। तो क्या देखिए मेरे पास एक लीड है एंड मैं इसको करूँगा। देखिए पूरी ये लीड मेरी ख़राब हो चुकी है, इसमें अभी इस वक्त कुछ भी नहीं है। देखिए इस साइड कुछ भी नहीं है, इसके एक जो वायर है तो पूरी ही कट चुकी है। मैंने कहा इससे पहले और भी वीडियोस में बता रखा है कि आपके पास कुछ भी अगर पुरानी लीड बची हुई होगी खराब रहा तो प्लीज़ आप उसको फेंकिए मत, उनका इन्हीं सब चीज़ों में काम आएगा। एंड वो कैसे काम आएगा चलिए आपको दिखाता हूँ। देखिए इसकी एक चार साइड की लीड खराब है, इसका जैक इसका प्रॉपर है, तो हम इसमें से कोई भी एक लीड लेंगे जिसका जैक हमें प्रॉपर लगेगा। देखिए कोई सा भी बढ़िया ले सकते हैं। देखिए व्हाइट है कि तो हम व्हाइट में ही लेंगे, तो इसलिए हम ब्लैक को हटा देंगे, व्हाइट को लेंगे। तो गाइस हम कोई सी भी इधर ले सकते हैं जैसे कि ये या फिर ये। देखिए ये सब भी खराब हैंगी लेकिन इनमें हम ये वाली लेंगे जैसे कि ये वाली। तो इसमें हम करेंगे क्या, देखिए इसके तो सैमसंग कंपनी का आएगा, इनका तो ओरिजिनल था इसलिए इसकी क्वालिटी भी एकदम बढ़िया रहेगी। चलिए हम बाकी सबको पीछे हटा सकते हैं, हम चाहे तो ऐसे वाला भी ले सकते हैं लेकिन मैं इसको भी रिपेयर कर दूंगा आने वाली अगली वीडियोज में, तो इसलिए मैं इसको कट नहीं करूंगा। जिससे देखेगा ये भी वीवो की ही है, इसको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में रिपेयर कर दूंगा। इसलिए मैं चलिए ये वाला ले लेता हूँ, इसको मैं साइड करता हूँ, इसको मैं इधर से सिंपल इधर से कट करके इधर मैं रिप्लेस कर दूंगा। मैं कैसे करूंगा वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखना, इन सबको मैं साइड करता हूँ एंग्रोटेक। तो देखिए मैं इधर करने क्या वाला हूँ, देखिए जो मेरी ये वाली वीवो की लीड है इसकी जो एक वायर है मैं इधर सिंपल इस वायर में इधर ये ईयर पीस जोड़ दूंगा जिसका ये स्पीकर इसके अंदर जो रहता है। एंड जब इसको एक वायर वाली हो जाएगी फिर इसमें दूसरी वायर भी आप लगा सकते हैं। मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उधर आप जरूर जाके देखिएगा। तो गाइस देखिए हमारे खुल चुका है एंड इसकी जो हमें इस स्पीकर की जरूरत है, इस स्पीकर को हम डायरेक्ट इधर से इधर हम सोल्ड कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे देखिए, तो गाइस सोल्ड करने के लिए हम सबसे पहले देखिए हमने सैमसंग वाली जो हमारी ईयरफोन है उसको हमने इस वायर इधर से कट कर लिया एंड इसको हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद देखिए इधर से अंदर से इसके वायर भी डीसोल्ड हो गई है, मतलब इसको अच्छे से इसको बड़े बारीकी से डीसोल्ड कर लेते हैं। जिसको ऊपर थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम का लगा रहता है पेस्ट उसको हम हटा लेते हैं। देखा इसके ऊपर हमने अच्छे से इसको मेल्ट कर लिया है एंड एक बार हम इसको ईयरफोन को अपने मोबाइल फ़ोन में प्लग इन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा इस प्लग इन करके करेंगे ना तो आपको स्पीकर के साथ आवाज़ भी आती रहेगी और आपको पता लगते रहेगा कि हाँ भाई हमारी जो सोल्डिंग हो रही है वो प्रॉपर हो रही है या फिर नहीं। तो देखिए इधर एक जैजमान जी का एक सॉन्ग लगा रहे हैं एंड अब जो हमारी इधर वायर है इसमें से आवाज़ आ रही है लेकिन स्पीकर ना होने के कारण इसमें से अभी कुछ जा नहीं रहे, तो हम इस पर से लाइटिंग करके इसकी कोटिंग हटा देते हैं। इसके दोनों वायर को हम दूर दूर करते हैं, अगर इसको बी सेफ करना, कोई से भी आपके हाथ वाथ पर चोट लग सकती है। तो प्लीज़ अगर आपको सोल्डिंग आयरन आपके पास नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हो, तो भी कोई बात नहीं, आप दुकान पे जाके 5 रुपये देकर भी ऐसे अपनी सोल्डिंग करवा सकते हैं। 5 रुपये से ज़्यादा नहीं लेगा वो, 5 से 10 नॉर्मल कोई बंदा लेगा बस। तो देखिए इनमें मैं सोल्डिंग पे टच कर रहा हूँ और देखिए आवाज़ आ रही है, ठीक है क्या बढ़िया आवाज़ आ रही है। तो मेरे को बस इसी बस दो इन टाकू इधर पे सॉरी टाके इधर लगा देने होंगे। पहले देखिए इसको हम अच्छे से इसके डिब्बे बिठाते हैं ऊपर की, ये बिठाया एंड फिर इसके सोल्डिंग के लिए इसकी एयरफोन की डिब्बी ये एंड इधर हम एक नॉट लगा देते हैं। नॉट लगाने से क्या होगा कि अभी हमारी तार वार खींचे तो फिर ये ऐसे खींच ना जाए हमारी लीड। तो क्या इसको एक बार हम इसके वायर भी अंदर से कोटेड हटा देते हैं इसकी एंड फिर हम इसको अपने स्पीकर की जो हमारी दो जॉइंट्स हैंगे उधर हम सिंपली इसको एक बार पेस्ट में करके उधर हम सिंपली इसको सोल्डिंग आयरन से सोल्डिंग कर देंगे। भाई सोल्डिंग आयरन देखिए कितना गर्म होता है क्योंकि ऐसे कैसे पिघला रहेगा। तो गाइस इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करना, देखिए अगर आपके पास कोई और बंदे तो उसको पकड़ा के कर लीजिएगा, ठीक है मैं इसको जल्दबाजी में कर रहा हूँ। तो गाइस होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड गाइस देखिए आवाज़ भी एकदम से प्रॉपर आ रही है, सोल्डिंग भी हो चुकी है, आवाज़ आप सुन सकते हैं गाइस कितनी प्रॉपर सोल्डिंग है। आपको सिंपल इसको बॉक्स को इसको बंद कर देना होगा एंड इस गाठ है इस नॉट की वजह से हमारी स्पिन लीड खींचेगी तो फिर हमारी सोल्डिंग भी नहीं जल्दी टूटेगी। गाइस आवाज़ सुन लीजिएगा कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है गाइस। बट वेट गाइस, ये मैंने तो इधर केवल एक ही वायर की लगानी सिखाई है लेकिन अगर आपको दोनों वायर की चाहिएगा तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा, मैं आपको कुछ आगे बात बताऊंगा, अभी वीडियो प्लीज़ मत छोड़ के जाइएगा। गाइस होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल एंग्रोटेक को, एंग्रोटेक जॉइन अस। सो गाइस
सुरेश जी का कहने कितनी सिंपल ट्रिक से केवल 2 मिनट में मैंने ईयरफोन के स्पीकर को मैंने रिप्लेस कर दिया है। किस रिप्लेस किया जो कि मेरे पास खराब स्लीट पड़ी हुई थी। मैंने कहा पहली वीडियो में आपको बताते रहता हूँ कि इन सबको प्लीज फेंकीगा मत, ये सब हमारे आगे ऐसे ही काम आते रहेगी। तो देखा इस आदमी के काम आ चुके हैं ऐसे एक लीड, तो उसका मैंने क्या करें स्पीकर मैंने सिंपल इसमें रिप्लेस कर दिया। इस वीडियो को आप अगर अच्छे से देखेंगे तो बहुत ही आराम से आपको ट्रिक समझ आ गई होगी। 2 वायर्स आएगी, 2 वायर्स स्पीकर की आएगी, दोनों वायर को सिंपल से मैंने इधर सोल्डिंग कर दिया और कुछ भी नहीं किया। गाइस मैंने केवल लेकिन एक ही वायर की किया है, एक ही वायर। लेकिन अगर आपको ऐसे दूसरी वायर भी एडजस्ट करनी है कि उसके लिए आपको ऐसे पूरा बॉक्स को खोलना पड़ेगा, ये वाला जो इसका बॉक्स होता है इसको पूरा खोलना पड़ेगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में आएगा, ऐसा थंबनेल देख लीजिएगा आप। एंड तो चलिए वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अभी इस वीडियो को अभी के लिए लाइक कर दीजिए, क्योंकि जैसे हमें मोटिवेशन मिलता है एंड सब्सक्राइब भी कर लेंगे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन एंड हमें मोटिवेशन टाइम टू टाइम दोनों मिलता रहेगा। एंग्री टेक।